So in this video I will continue the chapter 3 of your 7th standard geography tides. So in this video I will cover the effects of tide, intertidal range. The difference in the water level of the high tide and low tide is called tidal range, right? In open seas tidal range kya hai, maximum average 30 cm rehta hai, jabki coastal region pe, at for a coastal region it nears about 100 to 150 cm, and most of the part, the highest tidal range in the world is observed at the Bay of Fundy along the Atlantic coast of North of America. India mein sabse zyada jo hai wahan pe jo 1600 rehta hai, 1600 cm, jabki India mein Gulf of Gujarat ke paas jo coastal region hai jiska naam hai Gulf of Khambat, iska jo highest tide hota hai 1100 cm. Now effects of tide, टाइड्स के क्या साइड इफेक्ट है, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है. जैसे द इफेक्ट्स ऑफ टाइड, विद द हाई टाइड द फिश मूव इन टू द क्रिक्स एंड हेल्प फिशिंग एक्टिविटी. द टाइड्स क्लियर द वेस्ट एंड हेंस द कोस्ट बिकम क्लीन. टाइड्स क्या करते हैं कि वेस्ट क्लियर कर देते हैं एंड कोस्ट बिकम क्लियर. सो कोस्टल क्लीनर का काम भी करते हैं. देन पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विद सेडिमेंट्स. जो पोर्ट्स यानी बंदरगाहें जो रहती हैं जहाँ से शिप वगैरह निकलता है, हमारा जो हर कंट्री का ट्रेड एंड कॉमर्स उसके उनके पोर्ट्स से होता है. जैसे मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरा शिवा पोर्ट है हमारे महाराष्ट्र में. एंड देन शिप्स कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. शिप के जरिए हाई टाइड्स की वजह से शिप क्या है, पोर्ट पर आसानी से पहुँच जाता है. ड्यूरिंग द हाई टाइड द सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पैंस फ्रॉम विद द सॉल्ट कैन बी ऑप्टेन. सॉल्ट पैन में स्टोर हो जाते हैं जिसकी वजह से सॉल्ट जमा होने लगता है, सॉल्ट यूज़ होता है. द टाइडल फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइडल फोर्स, टाइड जो है इलेक्ट्रिसिटी जिसको नाम है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है ना. अब हमारे इंडिया में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो कोल से बनाई जा रही है, कोयले से. जो कि एक कोयले को जलाने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में एंटर होगा तो उससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये नुकसान दे. लेकिन टाइडल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी दैट विल बी द बेटर. अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग ऑफ हाई एंड लो टाइड मे कॉज अ एक्सीडेंट टू स्विमर एंटरिंग द सी. एक निगेटिव इफेक्ट्स है. एंड टाइड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द मैग्रोव्स एट द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी. देन टाइमिंग ऑफ टाइड्स चेंजेस डेली, राइट. जनरली टू मेन एग्जाम्पल बता दूँ कि 12 घंटे 25 मिनट का डिफरेंस है दो हाई टाइड्स में, राइट. और देर इज़ अ हाई टाइड एंड लो टाइड ट्वाइस अ डे. जनरली द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू हाई टाइड इज ऑफ 12 hours 25 minutes. नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का व्यूज. व्यूज है क्या, व्यूज को समझने के लिए आप ये ले लो कि अगर आप मिल्क पीते हो, दूध पीते हो या चाय पीते हो कप, तो वेन यू आर ड्रिंकिंग अ हॉट टी, राइट, आप ऊपर से आप फूक मारोगे तो देर इज़ अ रिपल, यू कैन ऑब्जर्व दैट. दैट रिपल इज नथिंग बट द सेम द व्यूज, सेम थिंग एक्ट एज अ व्यूज. तो व्यू कहाँ पर होती है, व्यूज जनरली समुंदर में होती है, इन अ सीज, इन ओपन सीज, जहाँ पर ये व्यूज को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, व्यूज को. जैसे हम फूक मारते हैं तो चाप में रिपल नज़र आती है हमको, तो जो समुंदर में व्यूज जनरेट होती है बिकॉज द विंड एयर ऑन विंड अप्लाइड द फोर्स ऑन द सीज, दैट्स वाई व्यूज जनरेटेड ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द सीज. सो सिमिलर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, इफ यू ब्लो एयर ओवर अ हॉट मिल्क और टी वाइल ड्रिंकिंग रिपल्स, रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द मिल्क और द टी. इन द सेम वे बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड वाटर अपियर्स टू बी मूविंग. द सी वाटर गेट पुश्ड बाय द विंड्स एंड रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द वाटर सर्फेस. दिस जनरेटेड रिपल्स आर कॉल्ड द व्यूज. अंडरस्टैंड. सो दिज आर द जनरेटेड रिपल्स. रिपल्स मतलब जो लहर जनरेट होगी. And the sea water moves up and down slightly forward and backward due to the waves. The waves bring energy contained in the form in contained in them to the coast. They break in the shallow water near the coast and large or small waves are formed continuously at the surface of the sea. So generation of waves is a natural process. है ये क्या है, natural and regular occurring on the phenomena. You can see the example. यहाँ पर आप example देख सकते हो कि एक इमेज के जरिए बताया गया कि व्यूज कैसे आती है, लहरें, समुंदर की लहरें जिसे हम हिंदी में कहते हैं. अब वन इज अदर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्यूज. द सी व्यू गेट्स पुश्ड अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ द विंड. द रेज अप पोर्शन ऑफ अ व्यू इज कॉल्ड द क्रिज एंड द डिप्रेस वन इज कॉल्ड द ट्रफ. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ व्यूज. वेलोसिटी ऑफ व्यूज डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड. द मेन रीजन ऑफ द व्यू जनरेशन इज विंड, बट एट अ टाइम ड्यू टू अर्थ क्वेक और वोल्केनिक इरप्शन. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थ क्वेक होता है, तो व्यूज तेजी से आती है. उस तेजी से आने वाली व्यूज को कहते हैं सुनामी.
So these are waves are very destructive. They cause a huge loss of property and life. These waves are called tsunami. In 2004, the tsunami waves are generated because of the earthquake that took place near the Sumatra island of Indonesia. सो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से साइड में वहाँ पे तो इतना अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कोस्टल एरिया हमारे इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट स्टेट्स है लाइक तमिलनाडु आंध्रा, तो वहाँ पर भी सुनामी का अफेक्ट आया था। अंडमान निकोबार आइलैंड डिस्ट्रक्ट हो गया था। तो दीज व्यूज कॉज अ इरोशन अलॉन्ग द हेड लैंड्स एंड क्रिएट बीचेस इन द प्रोटेक्टेड लोकेशन इन द बेस। So at the last it is given in always remember that if the earthquake occurs in the ocean, the coastal areas face a risk of tsunamis. So in such cases it is better to go away from the coast. जब सुनामी वगैरह आए तो ये बेहतर है कि कोस्ट से दूर चला जाए, दूर कोस्टल रीजन के पास से हमको हटना होगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करना होगा, एंड वी नीड टू गो टूअर्ड हायर अल्टीट्यूड्स। दिस इज अ वे टू लॉस टू this will we can avoid a loss of life or we can avoid a loss of life and property. So I hope student you understand this chapter better. अगर आपने part 1 नहीं देखा होगा तो इसलिए वीडियो के अंत होते ही part 1 available है, उसको भी देख सकते हो। And do like and share this video and subscribe our channel Abbas Academy.